अवैध हथियारों को लेकर एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 11 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2,60,000 रुपए कीमत के 11 देसी पिस्टल और कट्टे पुलिस ने किए जब्त। गिरफ्तार आरोपी का प्रहलाद सिंह सिकलीकर निवासी सिगनूर पर राजस्थान के जयपुर में भी है प्रकरण दर्ज। लंबे समय से चल रहा था फरार। भगवानपुरा पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने जा रहे आरोपी को पकड़ा। पुलिस रिमांड में पूछताछ में आरोपी से और भी हो सकते हैं खुलासे। ब्यूरो रिपोर्ट। हथियारों को लेकर खरगोन जिले में अभियान चल रहा है। पुलिस को एक बड़ी सफलता फिर मिली, 11 पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा। देखिए, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है ये जयपुर राजस्थान से फरार है। राजस्थान की SOG पुलिस के द्वारा इसमें वारंट जारी किया हुआ है। इसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी और भगवानपुरा थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अवैध हथियारों के साथ उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको ट्रैप किया गया और इसको हिरासत में लिया गया है। ये मोटरसाइकिल से अवैध पिस्टल और कट्टे के साथ मूवमेंट कर रहा था। तो जो टोटल सीजर हुआ है इसमें 11 अवैध हथियार इससे जब्त हुए हैं। ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है और ये अवैध हथियार बना के सप्लाई करता है। पूर्व में जब जयपुर में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से ये फरार हो गया था, इसमें वारंट जारी किया हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टेड लिंकेजेस निकल के सामने आएंगे। देखिए, सिगनूर जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो सिकलीकर कम्युनिटी के लोग हैं ये लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। ये जो प्रहलाद आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है ये भी सक्रिय था और लगातार फरार था। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से काफ़ी लिंकेजेस मिलेंगे और अवैध हथियार के क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड कनेक्टिविटी है उसका खुलासा होगा। ये कहीं ले जा रहा था सर, जैसे ये जो सूचना मिली थी तो 11 जो इसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं, हथियारों को ये सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था। अभी कस्टडी में लिया गया है, इसे पूछताछ करेंगे फर्दर डिलीवरी कहाँ होने वाला। ये भगवानपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है।